फोर्सफुल न्यूज मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सरीम। दिल्ली के बाद अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों ने बुधवार को एक बड़ा मार्च निकाला। सीएए के खिलाफ उस सड़क पर उतरे हजारों लोगों ने केंद्र सरकार से इस कानून को वापस लेने की अपील करते हुए सचिवालय के बाहर पद यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस विशाल प्रदर्शन के बीच लोगों ने सड़कों पर राष्ट्रगान भी गाया। इसके बाद हजारों की संख्या में इन लोगों ने सचिवालय की ओर मार्च निकाला। इस दौरान इन लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की प्रक्रिया को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। CAA, NRC और NPR के विरोध में सड़क पर उतरे इन लोगों ने यहां बीच सड़क पर राष्ट्रगान भी किया। चेन्नई में दिन की शुरुआत में ही निकले इस मार्च के कारण शहर के कई प्रमुख मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं सचिवालय की ओर से इन प्रदर्शनकारियों ने मार्च के कारण शहर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान तैनात रहे। आपको बता दें कि पूर्व में भी तमिलनाडु के कई हिस्सों में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किए थे। नागरिकता संशोधन कानून पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें पॉसिबल यूज मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पॉसिबल यूज मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।